एशिया 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की किडनी का जो ऑपरेशन है वो सिंगापुर में होने वाला है और उसी को लेकर के वो सिंगापुर भी पहुंच चुके हैं। उनकी बेटी जो है वो लगातार यहाँ पर पोस्ट जो है वो सोशल मीडिया पर डाल रही, जिसके बाद जनता के पास जो है ये खबर लगातार पहुंच रही है कि आखिरकार वो सिंगापुर पहुंच चुके हैं, कब उनका ट्रीटमेंट शुरू होने वाला। और इसी बीच में रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर से पोस्ट किया है और उस पोस्ट में वो लालू प्रसाद यादव के साथ नजर आ रही है, जिसमें वो लगातार जो है अपनी वही बातें दोहराती हुई नजर आई है कि आप लोग के जो है गुड विशेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम आपको बता दें कि लालू यादव का जो है किडनी का ऑपरेशन शुरू होने वाला है। अगर आप लोग भी अगर अपनी तरफ से जो है उनके लिए कोई भी प्रार्थना करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेशन के दौरान जो है आप कर सकते हैं। बहरहाल हम आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य वही हैं जो अपने पिता को जो है इस वक्त किडनी दे रही है, यानी कि उनकी किडनी ही ट्रांसप्लांट होकर के जो है यहाँ पर लालू प्रसाद यादव को लगाई जाएगी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यहाँ पर जो है रोहिणी आचार्य को लेकर के अब आप लोग किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सीधे तौर पर देखा जाए तो रोहिणी आचार्य जो है वो लगातार अभी तक जो है वो एक एक अपडेट जनता के साथ साझा कर रही है और अपने लिए और अपने पिता के लिए जो है गुड विशेस के लिए यहाँ पर सभी लोगों को कहती हुई नजर आई है। बहरहाल हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो है लालू प्रसाद यादव का ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है। तमाम जो भी अपडेट्स होंगे उनके ट्रीटमेंट से जुड़ी हुई हमारे चैनल के द्वारा जो है आपको सबसे पहले जरूर मिलेगी। तो SPN9 न्यूज के साथ बने रहिए और देखते रहिए यहाँ पर तमाम अपडेट्स के लिए।